हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे हाई सी सेल्स। यहाँ पे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं यूएस से, ठीक है, तो यूएस ने गुड्स हमें इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, और गुड्स यूएस से डिस्पैच हो चुके हैं, बिल ऑफ लेडिंग भी हमारे नाम से ही है और कमर्शियल इनवॉइस भी हमारे नाम से ही है, ठीक है। अब जब गुड्स वहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं, हमने क्या किया, ये गुड्स किसी और को भेज दिए। मिस यहाँ पे इंपोर्टर हम हैं, इंपोर्टर ए हैं हम, ठीक है, और हमने ये गुड्स किसी और को भेज दिए, मतलब इंपोर्टर बी को भेज दिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इंपोर्टर ए और इंपोर्टर बी, मीन्स इंपोर्टर ए हम हैं और हमने जिसको जो गुड्स बेचे हैं उसके बीच में हमारा एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जो ओनरशिप से गुड्स की वो पूरी इसको ट्रांसफ़र होगी, उस एग्रीमेंट में पूरा मेंशन होगा। एग्रीमेंट जो होगा आपका स्टैम्प पेपर पे होगा, उसमें आपको पूरी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या ओनरशिप में क्या क्या हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिल ऑफ लेडिंग की ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी इंपोर्टर बी को, जिसको हमने गुड सेल किए हैं, साथ में कमर्शियल इनवॉइस जो एक्चुअल कमर्शियल इनवॉइस है और एक रीसेल वाली कमर्शियल इनवॉइस बनेगी वो, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी इंपोर्टर बी को, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसे कोई गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको इंडिया में कस्टम क्लियरेंस से पहले ही अगर हम रीसेल कर दें, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाई सी सेल, ठीक है। तो हाई सी सेल का इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके गुड्स इंपोर्ट होने से पहले ही सेल कर दिया आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी फ़ायदा ये होगा कि आपको टैक्स एंड ड्यूटी से आप अपने आप को सेव करेंगे और आपकी कस्टम क्लियरेंस की सारी झंझट भी पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो इंपोर्टर वी था जिसने हमारे गुड्स सेल बाय किए हैं, ठीक है, उसको सारी टैक्स ड्यूटी डिलीवरी सीएचए अरेंजमेंट सारा उसी को करना पड़ेगा। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एग्रीमेंट जो है जिसने आपको गुड्स जिसको आपने गुड्स रीसेल किए हैं उसमें आपको अपनी पूरी टर्म एंड कंडीशन मेंशन करनी है, उसी के भी आप पे ही आपका ये प्रोसीजर होगा। अब बात आती है कि हमें क्या करना है उसके लिए। इंपोर्टर ए हम थे, एक्चुअल में गुड हमने इंपोर्ट किए थे और हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी इंपोर्टर बी को, मतलब ये गुड्स रीसेल कर दिए जब ये गुड्स मूवमेंट में ही थे, मीन्स कि पोर्ट ऑफ लोडिंग से चढ़े थे और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक नहीं पहुँचे थे, उससे पहले हमने इसको रीसेल कर दिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हमें एक लेटर लिखना पड़ेगा कस्टम को, एक फॉर्मेट है लेटर का जहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये नावासे पे शिपमेंट इंपोर्ट होने वाली है। इसमें हम लेटर लिखेंगे टू द असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कस्टम, ठीक है, पोर्ट का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हाई सी सेल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंपोर्ट एंड गुड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, एक्चुअल इनवॉइस और रीसेल इनवॉइस और गुड डिस्क्रिप्शंस कि क्या हम इंपोर्ट करने वाले थे। इसके बाद वेसल्स नेम लिखेंगे, बिल ऑफ लेडिंग नंबर लिखेंगे और बिल ऑफ लेडिंग डेट लिखेंगे। नाउ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे हियर बाय वी हियर बाय कन्फर्म दैट वी हैव सोल्ड द एबो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स का नाम, ठीक है, टू द बायर, यहाँ पे इंपोर्टर टू मीन्स कि हमने जिसको गुड्स रिसेल किए उसका नाम और एड्रेस लिख देंगे, काइंडली अलाउड टू क्लियरेंस अकॉर्डिंगली एंड ऑब्लाइज, बस हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि इनको क्लियरेंस करने की परमिशन दे, ठीक है। ये प्रोसीजर हो गया आपका कस्टम को इन्फॉर्म करने का। यहाँ पे हमें नाम लिखना है अपना, मतलब हम इंपोर्टर, हम एक्चुअल में हमने गुड्स खरीदे थे तो हमारा नाम और डिटेल लिखे साइन करने, और ये लेटर एड पे होगा हमारी कंपनी के लेटर एड पे, और हम इसको सबमिट करा देंगे कस्टम में, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं जब वो इंडिया में इंपोर्ट होने से पहले इनको सेल करके
उसकी पूरी ओनरशिप हम किसी और इम्पोर्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम एज ए सप्लायर हो गए, ठीक है। एक सप्लायर तो आपका ओरिजिन कंट्री में है जिसने गुड डिस्पैच किए, बट यहाँ पे हमने वो गुड्स उससे ख़रीद कर किसी को रीसेल किए जब इंडिया में क्लियरेंस होने से पहले, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है इसका, आईसी सेल का। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे वीडियो नॉलेज के वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।